ये 2024 जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के, झूठ आश्वासन, जुमलाबाजी 2014 में शुरू किया था और महंगाई के नाम पर, अच्छा दिन के नाम पर, युवा को नौकरी देने के नाम पर झूठ प्रचार करके सत्ता में कभी जुआ, लेकिन एक भी उनका घोषणा एक भी सही साबित नहीं हुआ। जंगल में रहता है उनका ग्राम सभा, ग्राम प्रधान का अस्तित्व खतरा में ला। आप सबों को बताएंगे ये 5 साल में एक बार ये देश के जनता, राज्य के जनता को ये मौका है कि केंद्र में एक अपना हित का सरकार को चुनने का। लेकिन आज आप सबों को हम बताएंगे, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ये 2024 जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के, झूठ आश्वासन, जुमलाबाजी 2014 में शुरू किया था और महंगाई के नाम पर, अच्छा दिन के नाम पर, युवा को नौकरी देने के नाम पर झूठ प्रचार करके सत्ता में कभी जुआ, लेकिन एक भी उनका घोषणा एक भी सही साबित नहीं हुआ और वो जुमलाबाजी में साबित हुआ। न महंगाई की बात किया है अभी, न महंगाई को कम किया। जो सिलेंडर लेके पूरा देश में घूमता था तत्कालीन सरकार जो हमारे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था, उस समय सिर्फ 400 सिलेंडर का दाम था, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद ये 400 जाकर 1100-1200 हो गया है। कभी महंगाई का भारतीय जनता पार्टी नहीं बात किया है, कभी युवा का रोजगार का बात नहीं किया है, कभी यहाँ का आदिवासी मूलवासी का बात नहीं किया है। इसीलिए आप सबों को हम आज सावधान देने की बात है। आज वन अधिकार अधिनियम को शिथिल करके जो लोग जंगल में रहता है उनका ग्राम सभा, ग्राम प्रधान का अस्तित्व खतरा में ला दिया है। जो मान के मुंडा पर था, जो यहाँ का बड़ा सामाजिक व्यवस्था में मजबूत प्रथा है, उसको भी शिथिल किया था डबल इंजन का सरकार। इसीलिए आप सबों ने हम कहते हैं सिर्फ उनका पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ प्रचार करके झारखंड के धरती से चला गया है। आज तक आदिवासी हित में नहीं किया काम, आज तक आदिवासी बनने का भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देगा। जो हम लोग विधानसभा में आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का भाषा संस्कृति सुरक्षित करने के लिए सरना धर्म कोड हम लोग विधानसभा पारित करके हम लोग राजभवन भेज दिया है, लेकिन उस बारे में देश का प्रधानमंत्री इस चाय भाषा का धरती में आके ये एक भी शब्द नहीं बोला यहाँ का आदिवासी के हित में, न यहाँ का मूलवासी का हित में। आप लोग को हम बताने चाहेंगे, ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात है, ये झारखंड सरकार, आपकी सरकार, ये गठबंधन की सरकार विधानसभा में पिछड़े जाति को, ओबीसी को 27% आरक्षण का हम लोग बिल पास के राजभवन के माध्यम से हम लोग देश केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन उनका इशारा हो गया राजभवन में यो बिल आपका रुक गया है। इसलिए ये आरक्षण का विरोधी है, पिछड़ी जाति का जो आरक्षण हम लोग 14% से 27% किया,
वो उनका राजभवन में रुकवा दिया है। और झारखंड आंदोलन के समय जो यहाँ का आंदोलनकारी, यहाँ का आदिवासी मूलवासी जो अपना स्थानीय नीति का जो सोच है 1932 का खतियान, वो भी झारखंड विधानसभा में हम लोग ला के पारित करके भेज दिया, राजभवन में रोक दिया। ये सभी का आवाज है स्थानीय का परिभाषित, या 1932 का होना खतियान होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका भी विरोध में है। इसलिए आज आप सबों को तय करना है, अरे जो जनसंवाद आया है ये साबित हो गया है हमारे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता है और इंडिया गठबंधन के लहर है पूरा देश में। इसी तरह जनसंवाद आते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी उनका जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था देश का प्रधानमंत्री का, यहाँ इस तरह से जनसंवाद नहीं आया है। इसीलिए आज मेरा विश्वास हो गया है, हम सबों का विश्वास हो गया है, हमारा ये जो लोकसभा सीट है ये जीत सुनिश्चित है और लाखों का वोट में हम लोग का जीत होगा। इसीलिए साथी गण अति सिंह पे उड़ूगा नैन दिसमरे आबुआ होते आबुआ धीरी आबुआ सबना तना नहीं तो काय नाम तना जब उरु पारे को बसाकन हो। अब मूलवासी आदिवासी इनको तो एंड्रे इनकन कानून संशोधन किया जे एंड्रे का को तई दरिया और अब नैन दिसमरे नैन कोल्हान पारे देवेंद्र माझी सूलापुरते और आईमा एंड्रे को शहीद हो भाई ना इनको तो इन एरिया को लड़ाई के लिए निया हो तेरे आबुआ कोटकाड़ी अधिकार बुन्ना में मा इनते नहीं तो बीजेपी इन दो इन कई उड़ू गया वन अधिकार अधिनियम इनको भी शिथिल करने गया है। जो जंगल में बास किया है हमारा सैकड़ों गांव है जंगल के भीतर में, उस गांव को भी हमको बचाना है, वहां का परंपरा को भी बचाना है, मन की मुंडा प्रथा को भी बचाना है और अपना मातृभाषा से प्राइमरी स्तर से हम लोग को शिक्षा देना है। इनको हुआ का राज्य सरकार इनते सवेन हागा को मिशी को निया तो एकता बोताई ना नेम दिशम तो आबुआ दिशम तना आबुआ होते तना आबुआ धीरी तना आबुआ दिशम तना नेम रे मन के मुंडा प्रथा मजबूताई तो होबा और नैन रे अबुआ सरकार गठबंधन सरकार निय उड़ू किया जे जागे आबोश हो ना गणा को ने को पढ़ाओ तना को डिप्लोमा को पढ़ाओ तना इनको बन देंगे को ये तो मान के मुंडा छात्रवृत्ति निर्णय तो लागू हो भाई ना जागे सफेद को डिप्लोमा इंजीनियर को पढ़ावा सवेन को ने मान की मुंडा छात्रवृत्ति इनके सवेन को नामिया। ये आमा अबुआ सरकार गठबंधन सरकार निया को उड़ुआ का है और सवेन को नैन आतुरे नैन दिसमरे अबुआ परंपरा अबुआ देशावली निया सुंदरीकरण होबा आ इनतलिन काजिया नैन दिसम दो आबुआ दिसम नैन दिसम दो सारा छाप प्रे वोट बन एमे आ जोबा माजी बन जीविजय बन बना हुआ इनते सबेन को हागा को मेसी को मान की को मुंडा को आलिन आर दस पाइना के नैन दिसम रे आबुआ जहां सामाजिक व्यवस्था परंपरा व्यवस्था ने बन चाहते होबा और सारा छापरे वोट बने में आ। आज हमारा और भी प्रोग्राम है आप लोगों के बीच में, इस देश का नेतृत्व करता राहुल गांधी आप लोगों के बीच में आया है,
उनका भी विचार आप लोग सुनिएगा। हर देश का कोना में जाते हैं राहुल गांधी, देश का बहुत सारे बात आप लोगों को बीच में रखेगा। हम इसीलिए आप लोग को बीच में हम बहुत सा योजना लाने का काम किया है, किस तरह से यहाँ का विद्यार्थी को आगे बढ़ेगा, किस तरह से छोटे मोटे किसान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये राज्य सरकार बहुत सा योजना लाने का काम किया है, इसीलिए हम उस योजना को हम नहीं दोहराएंगे। यही आप लोग को बीच में देश के अंदर में महागठबंधन इंडिया गठबंधन का लहर है। देश के हर जगह हर कोने में राहुल गांधी जा रहा है, इसके लिए आप सबों को भी उनका भी विचार सुनिएगा। और मेरा यही संदेश है कि आप लोग आज जिस तरह विधानसभा चुनाव में कोल्हान में 14 के 14 में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग यहाँ एक भी खाता खोलने नहीं दिया, उसी तरह झारखंड ने भी 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।